उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल वृंदावन के तत्वाधान में श्री आलोक बंसल जी और अध्यक्ष एवं श्री आज उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश ने श्रीमती निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री को एडीएम पर अपर जिलाधिकारी विजय कुमार दुबे द्वारा मथुरा नगर अध्यक्ष जितेंद्र प्रजापति वृंदावन अध्यक्ष आलोक बंसल के नेतृत्व में दिया ज्ञापन और कहा कि जीएसटी विभाग द्वारा लगातार आवश्यक वस्तुओं पर कर की दरें बढ़ाई जा रही है। जीएसटी लगाते समय सरकार ने वादा किया था कि पर्याप्त कलेक्शन होने पर जीएसटी की दरें कम कर दी जाएगी, परंतु कोरोना काल जैसी महामारी के बाद भी सरकार के पास उम्मीद से ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन प्राप्त हुआ। चुनाव के समय भी महंगाई को बढ़ाने से रोकने का वादा सरकार द्वारा किया गया था। लगातार बढ़ाई जा रही जीएसटी की दरों से व्यापारी परेशान है व आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ रहा है। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल वृंदावन के तत्वाधान में श्री आलोक बंसल जी और अध्यक्ष एवं श्री सुधीर शुक्ला जी महामंत्री के नेतृत्व में आज एक ज्ञापन एडीएम प्रशासन को दिया गया, जो कि माननीय वित्त मंत्री को संबोधित था। इसमें ज्ञापन में यही अनुरोध किया गया है कि जो फुटकर चीज़ों पर जो जीएसटी बढ़ा दी गई है, जैसे रेडीमेड कपड़ों पर और इस तरीके से, आज जब जब देश पर विपदा आई है तो व्यापारी ही वर्ग ऐसा है जिसने पूरे योगदान दिया है। तन मन धन से हमेशा व्यापारी वर्ग खड़ा हुआ और आज इस जीएसटी को बढ़ाने से व्यापारी वर्ग बड़ा आक्रोशित है और वह यह सोचता कि पता नहीं ये सरकार क्या चाहती है व्यापारियों से। हर समय व्यापारियों का उत्पीड़न किया जाता है, जबकि सरकार का और सभी वर्गों का, सभी लोगों का एक समान भाव से व्यापार वर्ग हमेशा सहयोग करता है और करता रहेगा, ये उनकी हमेशा ये रही है। तो देश मैं आपसे के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जीएसटी को तुरंत वापस लिया जाए इस बढ़ती हुई महंगाई में, जो इस पर आम जनता पर भी असर पड़ेगा और व्यापारी के साथ साथ आम जनता भी पिसेगा, तो इसको तुरंत वापस लिया जाए। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो व्यापार मंडल द्वारा अगला कदम क्या उठाया जाए? प्रदेश नेतृत्व के अनुसार 28 जनवरी को बहुत बड़ा विशाल आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदार स्वयं सरकार हूँ।